हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे रुमाल से कान्हा जी की पोशाक। ये देखिए, मैं दो नंबर के कान्हा जी को इसको पहना रही हूँ। आप इसे जीरो और एक नंबर के लड्डू गोपाल को भी पहना सकती हैं। ये देखिए, इसको पहनाना और बनाना दोनों बड़े ही आसान है। और मैंने ये सिर्फ एक रुमाल से तैयार करी है, इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं लगाया है। ये देखिए, ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है लड्डू गोपाल को। ये दो नंबर के कान्हा जी हैं, आप इसे जीरो और एक को भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए, मैंने ये रुमाल लिया है, इसके विड्थ और लेंथ दोनों है यहाँ पर 10.5 इंच। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर 2.5 इंच पर हम ऐसे मार्क कर लेंगे। और मार्क करके अपने इन सभी मार्क्स को हम मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस लाइन पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 2.5 विड्थ की दो पट्टियाँ निकल कर आ जाएंगी। ये देखिए, अब इसकी लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं ये जो फैब्रिक बचा है इसके साइड में से एक पट्टी और निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से ही रखूँगी और इसके साथ साथ मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से हमारी लेंथ के लिए हमें तीन पट्टियाँ मिल जाएंगी और तीनों को हम जॉइन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद मेरी जो इसकी लेंथ बनी है वो आई है 25 इंच। ये देखिए, अब हम इस पर प्लीट्स डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस पर ना ज़्यादा बड़ी हमें प्लीट्स डालनी है और ना ही ज़्यादा छोटी। साइड से हमें इन्हें इक्वल रखना है, इस बात का ध्यान रखते हुए प्लीट्स डालेंगे। ये देखिए, ये कॉटन का फैब्रिक है, प्लीट्स डालना बड़ा ही आसान होता है कॉटन के फैब्रिक पर, तो बिगनर्स भी इसी कॉटन के फैब्रिक से ही शुरुआत करें, इससे उन बड़ी आसानी से वो प्लीट्स डाल पाएंगे। देखिए, इस तरह से पूरे फैब्रिक पर मैं प्लीट्स डाल लूँगी। ये मैंने लगभग 1.25 इंच यानी 0.75 इंच की प्लीट्स डाली हैं। पूरे फैब्रिक पर मैं इस तरह से प्लीट्स डाल लूँगी और प्लीट्स डालने के बाद जो हमारी कमर की लेंथ आई है वो है 3.5 इंच। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए देखिए, मैंने दो स्ट्रिप्स कट की हैं। इसकी लेंथ है 6 इंच और विड्थ है इसकी 1 इंच। अब हम दोनों पट्टियों को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपने घेरे के पार्ट को उल्टा करके लेंगे और सबसे पहले हम इसके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और अपनी पट्टी का भी हम सेंटर लेंगे और इस तरह से सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ पर सीधी सिलाई से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये ड्रेस बनाना बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स, इसको बनाना बड़ा इजी है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ज्वाइन कर ली है। अब हम अपने घेरे की सीधी तरफ इसको पलटेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड देते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है बाहर की तरफ इसको भी डबल फोल्ड करते हुए हम किनारे की यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, ये बड़ी आसानी से यहाँ पर सेट हो जाएगी और ये स्टिच लगने के बाद ये हमारी पूरी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इससे आपको ना तो अलग से नेफा लगाने की ज़रूरत है ना ही डोरी डालने की। देखिए, इस तरह से पूरे में हम सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। अब ये जो हमारी दो एक्स्ट्रा निकली हुई पट्टियाँ हैं दोनों तरफ, इसी से हम कान्हा जी की कमर पे इसको बांध लेंगे। तो अब हम चोली का पार्ट तैयार करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने दो स्ट्रिप्स ली हैं यहाँ पर। विड्थ मैंने इनकी रखी है 1.5 इंच और लेंथ मैंने इसकी रखी है 6 इंच। तो 6 इंच थोड़ी एक्स्ट्रा ही है, आप 4 इंच तक भी इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम इनको किनारे की सिलाई के साथ तैयार कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप्स को तैयार कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने कर ली है।
अब हम इन दोनों को ऐसे वी शेप में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये फैब्रिक का पीस है मेरे पास जिसकी विड्थ है यहाँ पर 1.5 इंच। अब मैं इसको इस तरह से रखूँगी और इसके साथ साथ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए दूसरी तरफ से भी मैं इसी से तरह से कट कर लूँगी। अब हम इसको अंदर की तरफ ऐसे डालेंगे और उसके ऊपर अपनी ये पट्टी रखेंगे और यहाँ पर किनारी की स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे। ये जो नीचे हमने पीस रखा है ये मैंने सीधा रखा है। ये देखिए इस तरह से ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए बीच में से ये ऐसे खुला हुआ है तो हम इसको भी सिलाई लगाकर लॉक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कर लिया है और इस तरह से हम चोली का पार्ट बनकर तैयार है। अब हम अपने घेरे के पार्ट का सेंटर लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ डालते हुए हम ये सिलाई यहाँ पर लगाकर इसको फिनिश कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिल लिया है। इस तरह से हमारे कान्हा जी की पोशाक बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए कितने सुंदर हमारे लड्डू गोपाल लग रहे हैं इसको पहनकर। इसको पहनना मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए राधे राधे।